Everybody, I'm making two things. I'm making pulao and I'm making spinach. So for the pulao, you have to brown your onions and make them nice and soft. उसके बाद अब अंदर डालोगे garlic and ginger. And I have 4 chicken fillets chopped up into cubes. वो मैं इसके अंदर डालूँगी. And I'm trying to make a video. Spinach की भी कुछ ऐसे ही करेंगे. Goodbye. तो मैंने अब चिकन डाल दिया है और साथ में मैंने गार्लिक एंड जिंजर भी डाल दिया इन स्पिनच मिक्सचर. और जो पुलाव वाला है उसमें भी मैंने गार्लिक एंड जिंजर और काफ़ी ज़्यादा पानी डाल दिया ताकि उससे मुझे प्याज सॉफ्ट चाहिए. ठीक, आप देख सकते हैं, अब आपने इसको बस भूनते जाना है. ठीक है, और आपने इसका पानी ड्राई सा करना है और ये काफ़ी सॉफ्ट सा आपको लग रहा होगा पुलाव वाला, और आपने इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही रखनी है. अब मैंने इसके अंदर 1/2 टिन ऑफ टमेटोज डाल दिया. अगर टिन नहीं है तो आप इसके अंदर 2 टमाटर डाल दें काट के, पानी डाल दें ताकि सॉफ्ट हो जाए. और इसे मैंने भी और पानी डाल दिया टू मेक इट मोर सॉफ्ट. अब पुलाव मिक्सचर में मैंने चिकन ऐड कर दिया और अब मैं इसको सबको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ. साथ में मैंने स्पाइसेस डाल दिए हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूँगी. और बस अब इसमें पानी डाल के इसको दम पे छोड़ दिया दोनों को. स्पिनच का सारा पानी हमने कुक आउट कर दिया. अब इसके अंदर हम स्पिनच ऐड करेंगे. ये तकरीबन 1 बैग था. आपने पूरा अपना पैन फुल कर लेना है और आपने इसको कुक डाउन करना है. और वो अभी आपको आके दिखाऊंगी कि इसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए. थोड़ा सा और पानी डाला था घर पर कुक, और इसको आप कवर्ड रखें ताकि आराम से स्टीम होता रहे. अब आप देख सकते हैं स्पिनच काफ़ी कुक आउट हो चुके हैं. अब हमने सिर्फ इसका पानी सुखाना है. पुलाव में भी मैंने टमाटर डाल दिए थे, पानी डाल दिया था और इसको कुक होने दिया था. मतलब उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है. एग्जैक्ट रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से मिल जाएगी. एंड स्पिनच की भी अभी ये शक्ल है. फिर बस आपने चावलों का दम दे देना है. एंड दिस इज़ द फिनिश्ड राइस. और स्पिनच के ऊपर शायद फुटेज नहीं थी, सो आई एम सॉरी. ये थोड़ी सी अब्रप्ट वीडियो थी क्योंकि मैं प्रॉपरली सब कुछ कैप्चर नहीं कर पाई थी, बट आपको मैं सब कुछ एग्जैक्टली बता दूंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.